पानीपत सीआईए की टीम ने आईओसीएल अधिकारी को अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैंग के सरगना सतपाल राठी और उसके 8 साथियों को हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उनके अधिकारियों के साथ कोई मारपीट की है, जबरन वसूली का मैटर है, किडनैपिंग करके उनसे फिरौती वसूल करने की कोशिश, जिसके ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन डीएसपी श्री राजेश फोगाट और एसपी मैम श्रीमती मनीषा चौधरी के दिशा निर्देश में कार्य करते हुए इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। और इस इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ाने के बाद में हमने जैसे कंप्लेनेंट से बात करके देखी, उन्होंने बताया कि एलएनटी के एरिया में, इसमें आईओसीएल के एरिया में जो है दो गैंग काफ़ी एक्टिव हैं, जो काफ़ी मतलब मंथली वसूली करने के लिए, किडनैपिंग करने के लिए, ताकि इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा सके, उसके लिए वो हमें लगातार परेशान कर रहे हैं। उस पर कुछ जांच सूत्रों से हमें जो उनसे इन्फॉर्मेशन मिली, उनके हिसाब से कार्य करते हुए हमने जो है 8 अपराधियों को काबू किया है, साथ में बहुत से अपराधी जो अभी पेंडिंग है इसमें उनको भी अरेस्ट किया जाएगा इस केस के अंदर, जो इन्होंने किडनैपिंग करके और जो रैंसम वसूली करने के लिए इन्होंने जो प्लान बनाया था उसके रिगार्डिंग अभी काफ़ी आरोपी जो है पेंडिंग है। कितने पकड़े गए हैं और कितने पेंडिंग? अभी 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जिसमें सतपाल राठी जो बाल जटान का है, अपने आप को सरपंच के नाम से कहलाता है, और सरपंच हालांकि कभी रहा नहीं, लेकिन लास्ट इसने जो पहले वाला सरपंच है उसको मदद की थी, तो इसको गांव में सरपंच बोलते हैं, और ये अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करते हुए पता नहीं कहां का मतलब अपने अप्रोच बताता है, उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर प्रेशर बना करके, आयुशिल पे प्रेशर बना करके वहां से एक्सट्रोशन, मतलब एक्सट्रोशन की दावे कि कार्ड्स बनवा देगा अपने 10-12 लड़कों के, जो नौकरी करेंगे नहीं लेकिन अकाउंट में पैसा 1,00,000 रुपए के आसपास उनके इसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और साथ में इनकी गाड़ियां जो 40-50,000 या 60,000 रुपए रेट तक जो मंथली गाड़ियां इनकी लगती रेंट के ऊपर, वो इसकी परमिशन से ही लगे, उसमें जितनी भी गाड़ियां लगें वो सारी ये चाहता था कि सब मेरी परमिशन से लगे, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन जब ये अपनी गाड़ियां लगवाएगा, नेक्स्ट इलेक्शन कभी आएगा सरपंची वाला जो जल्दी है, तो उसके ऊपर ये अपने गाँव में वोट उसके थ्रू बना सके। क्या कुछ आरोपियों से बरामद किया गया अभी तक? आरोपियों से अभी तक हमें 3 असले जो रिवॉल्वर हैं हमें प्राप्त हुए हैं, तीनों असले ये जो सतपाल राठी जो मेन गैंगस्टर है इससे प्राप्त हुए हैं, हालांकि इसका एक असला इसके खुद के नाम पे है जो इसने वारदात में प्रयोग किया था, बाकी 2 असले भी वारदात में प्रयोग हुए, वे आरोपी भी वहाँ पर मौके पर थे, और असले ये तीनों अपने पास इसलिए रखता था क्योंकि इसके साथ अलग अलग लड़के रहते हैं, तो ये अपना प्रेशर बनाने के लिए बाहर पे दिखाने के लिए, अब इसके साथ जो भी होता था एरा कोई भी हो उसके उसी को मतलब उन असलों को उनके लगा दे, और ताकि सामने वाले जिस भी अधिकारी से मिलता है उनके ऊपर प्रेशर बने कि भाई मैं यहाँ का स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ और मेरे साथ इतने आदमी हैं, उन असलों को दिखा करके उनको डरा धमका के उसका अपने फायदे के लिए एक्सट्रोशन के लिए इस्तेमाल कर सके। क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है इनका कुछ? क्रिमिनल रिकॉर्ड के अंदर सतपाल है, दूसरा सतपाल उर्फ बिंदर, इसके ऊपर 302 का मुकदमा है पहले का, साथ में जो है नवीन उर्फ बागी और घनश्याम के ऊपर भी केस FIR पहले हुई है, उनका बाकी रिकॉर्ड लिया जा रहा है। रिमांड पे लिया क्या? हाँ, इनमें से 2 आरोपियों को हमने सतपाल राठी और नवीन बागी को हमने पुलिस रिमांड पे लिया है, और बाकी आरोपियों को जुडिशल